पुलिस मुख्यालय के द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसी के क्रम में थाना स्तर पर वृत्त स्तर पर मीटिंग्स लगातार चल रही है। उसी पर आज जिला स्तरीय सुरक्षा सखी संवाद का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर जो हमारे जिले की सबसे ज़्यादा एक्टिव और प्रभावी सुरक्षा सखियाँ रही है उनको सम्मानित भी किया गया और सुरक्षा सखियों के अनुभवों को भी यहाँ पर साझा किया गया। उनकी तरफ से काफ़ी सुझाव आए हैं जिन पर हम लोग आगे कार्य करेंगे और उसी के साथ साथ उनके जो रोल, उनके जो दायित्व हैं उन पर भी चर्चा की गई। किस तरह की जिम्मेदारियाँ इनकी होती है और किस तरह पुलिस को भी मदद मिलती है? देखिए, जो सुरक्षा सखी होती है वो पुलिस और महिलाओं के बीच में एक सेतु का कार्य करती है। महिलाओं को कोई समस्या होती है, वे थाने पर आने में हिचकती है, तो उस समस्या को थाना पुलिस को अवगत कराना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति, कानूनों के प्रति जागरूक करना, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चियों को जाके गुड टच, बैड टच के बारे में बताना, उनको महिला हेल्पलाइन के बारे में जागरूक करना और साथ ही साथ जो आपस में एक अविश्वास की भावना कई बार होती है, महिलाओं को थाने में आने में जो एक हिचक होती है, हेजिटेशन होता है, उसको ख़त्म करने के लिए ही सुरक्षा सखी की शुरुआत की गई है। एक तरफ तो मैडम सुरक्षा सखी की बात हो रही है और यहाँ पर जो महिला थाना है उसमें जो थाना अधिकारी पुरुष लगाए और जो अपने कोतवाली है उनमें महिला थाना लगा है, ऐसे में कैसे ये चीज़ होगी कि महिलाएं जो अपने अधिकारी? देखिए, मुझको जिले में अब तक काफ़ी समय हो गया तो कभी भी आज तक किसी महिला ने आके मुझको ये नहीं कहा। जो महिलाओं का कंसर्न नहीं है ये कि महिला थाने में पुरुष थानाधिकारी लगाए, उनको कोई ऐसी झिझक नहीं होती है और सभी अधिकारियों को अपनी काबिलियत के हिसाब से कार्य सौंपा जाता है और सारे ही थाने, चाहे महिला थाना हो चाहे अन्य थाना हो, सभी महत्वपूर्ण होते हैं और सभी अधिकारी अपनी काबिलियत के हिसाब से अच्छा कार्य करते हैं।